तो फाइनली ट्रिपल एच ने डब्ल्यू जी जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है आज मंडे नाइट ड्रॉ पर, और काफ़ी चैंपियनशिप को इंप्रेशन जहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और ये चैंपियनशिप जो थी जिसकी नीड थी डब्ल्यू जी को, क्योंकि रोमन रेंस से ऊपर अपेयर नहीं हो रहे थे, और इसलिए ट्रिपल एच ने भी बताया कि रोमन रेंस कितना स्मार्ट है, वो कम आता है और ज़्यादा पैसे छापता है, तो जहाँ पर इसीलिए इस चैंपियनशिप को जहाँ पर लाया गया। और यूएस से नेटवर्क की डिमांड थी कि ये चैंपियनशिप हमें जरूर देखने को मिले। अब जहाँ पर इसका रिव्यू करने वाले हैं हम कि चैंपियनशिप ये किस तरह की है, तो चैंपियनशिप की अगर बात करें तो जहाँ पर चैंपियनशिप का लोगो काफ़ी बढ़िया है, जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप थी जो पुरानी थी, जो जिन लोगों को पता होगा बैटिस्टा जो हमारे ग्रेट खली ने भी जीती थी चैंपियनशिप, उसी तरीके की है, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज है। और जो डब्ल्यू लिखा हुआ है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और इसकी जो चैंपियनशिप की डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक AEW चैंपियनशिप जो हमारी AEW की वर्ल्ड चैंपियनशिप उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि, हालांकि AEW का जो डिज़ाइन है चैंपियनशिप का बहुत ज़्यादा बेटर है WWE के इस चैंपियनशिप के कंपैरिजन में, और काफ़ी सारे लोग इसको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ये बेकार चैंपियनशिप है, ये अच्छी नहीं लग रही है, जिस तरह नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि WWE ने इंट्रोड्यूस करी है, तो ठीक है। नहीं, चैंपियनशिप ना होने से तो अच्छा है कि कुछ तो मिल रहा है और सुपरस्टार को काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। और आप किस देख के देखना चाहते हो फर्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि WWE के रिलेटेड आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू गाइस।